भाजपा सरकार ने तो तिरंगे को बिजनेस बना लिया है, तिरंगे को हम पैसे से नहीं तोल सकते, तिरंगा हमारी भावनाओं में है, हमारे विचारों में है, सीने में गोली खा लेंगे लेकिन तिरंगा नहीं झुकने देंगे। राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता करके लगाए आरोप। भाजपा सरकार ने तिरंगे को बिजनेस बना लिया है, तिरंगे को हम पैसे से नहीं तोल सकते, तिरंगा हमारी भावनाओं में है, हमारे विचारों में है, सीने में गोली खा लेंगे लेकिन तिरंगा नहीं झुकने देंगे। राज्यसभा सदस्य राजमणि पटेल ने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता करके लगाया भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप। भाजपा सरकार ने तिरंगे को बिजनेस बना लिया है। मैं मांग करता हूं जांच होनी चाहिए, तिरंगे के नाम पर कितना पैसा इकट्ठा कर लिया गया, क्या तिरंगे का यही सम्मान है? तिरंगा हमारी भावनाओं में है, हमारे विचारों में है, तिरंगे को हम पैसे से नहीं तोल सकते। तिरंगा गांधी विचारधारा का नाम है, तिरंगे का सम्मान है, तिरंगा हम झुकने नहीं देंगे, सीने में गोली खा लेंगे लेकिन तिरंगा नहीं झुकने देंगे। यह है गांधी विचारधारा, हमने ऐसा करके दिखाया है। मोदी जी साबरमती आश्रम जाते हैं, मोदी जी की नजरों में गांधी संत नहीं, संत है सावरकर। मोदी की नजरों में गांधी से बड़ी विचारधारा है सावरकर, वह सावरकर को गांधी से बड़ा संत बनाना चाहते हैं। सावरकर के बारे में आपको जानना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए उसके लिखे हुए लेख। उसने 1930 में क्या लिखा था, गाय के बारे में क्या लिखा, हिंदुओं के बारे में क्या लिखा। सावरकर अंग्रेजों से माफी मांगकर जेल से रिहा हुआ था, उसने लिख कर दिया था, हुजूर हमें माफ करिए, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। आज सावरकर को गांधी से बड़ी विचारधारा बनने का प्रयास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के राज्यसभा सदस्य राजमणि पटेल ने रीवा के सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता करके भारतीय जनता पार्टी पर तीखे हमले किए। राजमणि पटेल पिछले दिनों निकाली तिरंगा यात्रा को लेकर काफी नाराज दिखाई दिए। जिस तरीके से तिरंगे का अपमान हुआ, तिरंगे को बेचा गया, उसको लेकर उन्होंने तमाम तरीके के सवाल खड़े किए। आइए आपको सुनाते हैं पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य राजमणि पटेल के तीखे तेवर। भारतीय जनता पार्टी को लेकर किस तरीके से उन्होंने घेरा, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की व्याख्या की, गांधी और सावरकर विचारधारा को किस तरीके से तुलना की, आप भी सुनिए। तिरंगे कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन तिरंगे को जो है एक बिजनेस बना लिया है। आज उसे पूछे, सवाल पूछे कि तिरंगा के नाम पर कितना पैसा इकट्ठा हुआ है, कितने में तिरंगा बेचा गया है, किस किस लोगों को बेचा गया है, क्या यही सम्मान है तिरंगे का? तिरंगा सम्मान होता है, भावनाओं का होता है, विचारों का होता है, पैसे से उसको नहीं तोला जा सकता है। तिरंगा की विचारधारा है, गांधी की विचारधारा है, जो तिरंगा को ही सब कुछ मानती थी, तिरंगा नहीं झुकने देंगे, सीने पर गोलियां खा ली लेकिन तिरंगा नहीं झुकने दिया, वो विचारधारा है तिरंगा। नरेंद्र मोदी जी ने भी साबरमती आश्रम से ही तिरंगा अभियान की शुरुआत की। हाँ, उन्होंने साबरमती की कब की थी, उनका शब्द खावटी है, सावरकर महात्मा गांधी से भी बड़ा संत जो है सावरकर को करने जा रही है। जिस सावरकर ने जो है 1930 में लेख जो लिखा है, वो गाय के बारे में क्या लिखा है, हिंदू के बारे में क्या लिखा है, तो उसको पढ़ लीजिए आपसे, आप पता चल जाएगा। वही सावरकर इसने माने माफी मांग करके जेल से आया कि जैसा हुजूर कहेंगे, जैसा अंग्रेज कहेंगे, हम उसे करेंगे, इससे हट करके हम कुछ नहीं करेंगे, हमको रिहा कर दिया जाए। जो इस तरह से माने अपने जीवन की भीख मार करके बाहर आया हो, उसको क्या राष्ट्रीय माने बात करते हैं, तो राष्ट्रीयता की बात है भाई। बताए कि चाहे नकल का हो, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे काम का हो, चाहे काम के खिलाफ काम का हो, ये सब कुछ हो रहा है। केवल इसी वजह से हो रहा है कि इन चीज़ों के प्रति सरकार उदासीन है, और सरकार तानाशाही के अपने में उसमें इतना डूबी हुई है कि उसको न्याय संविधान में कुछ दिखाई नहीं देता।